आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया गया है, सानस सर्वे कमल को आप कैसे तनु करेंगे, तनुकरण का इसके पीएच पर क्या प्रभाव होगा। तो आइए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, सानस सर्वे कमल का मतलब होता है कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी कि जिसके अंदर में H2SO4 की सांद्रता क्या हो, अधिक हो। इसको हम तनु कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे ही हम इसको तनु करेंगे, तनु करने के लिए इसका जो पानी होगा हमारा, पानी के अंदर में हम क्या मिलाते हैं, H2SO4 मिलाते हैं, न कि दोस्तों हम H2SO4 के अंदर में क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये प्रक्रम जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। यदि पानी के जो हमारा अम्ल होता है उसके अंदर में यदि हम H2O मिलाएंगे तो हमारी ऊष्मा बाहर निकलेगी दोस्तों। तो इस वजह से ऊष्मा के बाहर निकलने के कारण क्या होगा दोस्तों, हमारा ये स्प्लैश आउट हो जाएगा, बेकर स्प्लैश आउट हो सकता है। अब हमें यह बताना है कि तनुकरण करने पर जो हमारा पीएच पर क्या प्रभाव होगा, तनुकरण करने पर पीएच पर क्या प्रभाव होगा। जैसे हम तनु करेंगे दोस्तों, तो H+ आयन की सांद्रता जो होगी वो हमारी क्या होगी दोस्तों, वो हमारी जो हमारा पर लीटर, यह हम कहेंगे कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में क्या होगी दोस्तों, कम होगी। जिससे हमारी टोटल पीएच क्या होगी दोस्तों, टोटल पीएच जो होगी वो हमारी क्या होगी दोस्तों, कम होगी। पीएच जो होगी वो हमारी बढ़ेगी, पीएच बढ़ेगी, क्योंकि यदि अम्लता कम होती है तो पीएच तो क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है। अम्लता कम होती है तो पीएच क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है और यही हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।